हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू वीडियोस। दोस्तों आई नो वीडियो लेट है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। जैसा कि हम जानते हैं कि टर्किश मीडिया में बहुत ही तगड़ी रूमर्स चल रही हैं कि हांडेचल और कानेंड्रिम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये सही में रिलेशन में है भी या नहीं, चल उसके बारे में पता लगाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। बेतहा मोहब्बत की थी आपसे लेकिन आप बेवफा निकली, मोहब्बत में गुले सितम हुए और आप यूं ही चले गए छोड़ के। हांडे एक ऐसी लड़की है जो एक खिलौने से थोड़े ही समय खेलती है फिर उसे बदल लेती है। वैसे ही रिलेशन में वो किसी के साथ ज्यादा समय रह नहीं सकती। पहले मुराद फिर करीम और अब कान इंद्रिम उनका नया खिलौना है। जी हाँ, कान और हांडे की एक दूसरे से मोहब्बत कर रही है, यह बात कन्फर्म हो चुकी है। लव इन द एयर और हांडे करीम के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। फाइनली हांडे करीम को छोड़ आगे बढ़ गई है और ये सब रूमर्स नहीं रही। हैंकर की स्टोरी का अंत हो चुका है। हांडे चल कान के साथ लंदन गई थी जिसके चलते लव इन द एयर के फैंस को अंदाज आ गया था कि हांडे करीम का द एंड हो चुका है और उनका रिश्ता बड़े अजीब तौर से खत्म हुआ है। लेकिन कुछ फैंस अभी भी आशा कर रहे थे कि ये बस एक रूमर्स है और हांडे करीम एक साथ अभी भी है, लेकिन ये ऐसा होपलेस है। मिर्जा ने हांडे एचल से पूछा कि क्या आप कान के साथ लंदन में थी, तो उन्होंने जी हाँ हमें जवाब दिया, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो क्लोज फ्रेंड्स है। लेकिन कान से ये बात राज रही नहीं और उन्होंने पेपराजी को बताया कि वो हांडे को डेट कर रहे हैं और सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये बात बताई नहीं है कि किसने पहले मोहब्बत का इकरार किया था, तो कान ने खुद कंफर्म कर दिया है कि वो हांडे को डेट कर रहे हैं। तो वहीं कान को करीम के फैंस सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं कि उनकी वजह से हांडे ने करीम को छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंफॉर्मेटिव थी और इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, आपको बताना जरूरी था। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल एडी वॉल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा, शब आखिर।